अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं आपकी अक्षय शेर। तो सही का टाइम हो चुका है। आज मैंने बहुत लेट व्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि उठते साथ मेरे को व्लॉगिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, काम ही मेरा ऐसा है। मैंने पढ़ी फजर की नमाज सहरी की, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी थी। आज मैं अपने सर में लगाई थी मेहंदी, तो मैंने मेहंदी को फेट के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया कि वो अच्छे से हो जाए। फिर जो गाजर रखी थी मैं उसको जो बाहर रख रखे क्यों खाओ, तो मैंने उसको छीला, अच्छे से अच्छी कटिंग की मैंने उसको, फिर मैंने उसको कट करके फ्रिज में रख दिया। अब मेरी बहन उसको एक वो वीडियो बनाने का वो मिल गया कि मेरी बहन मैं गाजर कट कर रही हूँ ऐसा करके वीडियो बनाई, तो मैंने उसको बोले ऐसा नहीं चलेगा, ये गाजर मैंने कट किया इससे रिव्यू मैं लूँगी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गए थे हमारे ट्यूशन के बच्चे। हमने ट्यूशन आज क्योंकि आधे से बच्चे गाँव गए हैं, आधे से बच्चों के एग्ज़ाम पूरी हो चुकी थी, अब कुछ ही बच्चे हमारे ट्यूशन में रह गए हैं, वो भी कुछ टाइम तक ही रहेंगे। अब फिर मैं आज एक रेसिपी बनाई थी जिसकी रेसिपी अच्छी मुझसे नहीं बनी और मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैंने उसके साथ आपकी वीडियो शेयर नहीं की। बस मैं ये बताएं कि मैंने उसमें चावल यूज़ किए हैं थोड़ा सा ग्राइंड करके, क्योंकि वो रेसिपी फर्स्ट टाइम बनाई ना मैंने तो मुझसे अच्छी नहीं बनी थी। और ये हमेशा की मेरी फेवरेट, इसके बाद मैं बनाऊंगी साबूदाने के वड़े और ये मेरे हमेशा अच्छे बनते हैं। तो मैंने साबूदाने ले लिए, 3 आलू ले लिए, 3 मीडियम साइज़ के जो सिंग दाने थे मैंने उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया और ग्राइंड कर लिया। फिर चिली, धनिया, जीरा, कॉर्नफ्ला ये सब डाल के, नमक डाल के मैंने उसको अच्छे से स्मॉल वड़े राउंड शेप दिया। फिर मैंने उसको चपटा चपटा के वड़े शेप देके उसको फ्राई कर लिया। ये मेरी मम्मी के फेवरेट है। मेरी मम्मी को है ना रमज़ान में एटलीस्ट साबूदाने के वड़े 1 से 2 बार तो खाना अच्छा लगता है। मेरी मम्मी वैसे ऑयली कम खाती हैं, पर जो 2-3 रेसिपी उनके तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। फिर हो गया इतनी देर में इफ्तारी का टाइम, हम सब ने इफ्तारी की दुआ मांगी, उसके बाद थोड़ी देर फटाफट मैंने फजर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। फिर आज मैं बनाई थी चिकन की एक रेसिपी बनाई थी, स्टो बनाई थी चिकन को, मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने क्या बनाया, चिकन स्टो बनाई थी मैं। क्योंकि हम बहुत दिन से है ना, हमने कुछ रात के टाइम पे रोटी खाई नहीं, ज़्यादा कम दाल चावल ही खाए, तो मम्मी चिकन स्टो बना दे। फिर मैंने पढ़ी इशा की नमाज़, मैं मम्मी इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, उतने में पापा भी आ गए, तो हमने सब ने बैठ के साथ में खाना खाया, क्योंकि एक ही साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।